दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले AMA वर्सेस MBL के बीच होने वाले आज के पहले नई मुंबई T20 मैच के बारे में। कल के मैच में भी नवी मुंबई के मैच हमने काफ़ी अच्छा क्लीन स्वीप किया था, परसों के भी नवी मुंबई के पहले मैच हमने काफ़ी अच्छा क्लीन स्वीप किया था। यानी कि आखिरी के चार मैचेस जो मैंने कवर करके दिए हैं ना, तीन मैचेस हमारे काफ़ी ज़्यादा अच्छे विन गए हुए हैं, एक मैच हमारा एवरेज गया है। तो काफ़ी शानदार सीरीज चल रही है। आज एक बार फिर से आपको दो से तीन रिस्की प्लेस के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस मैच GL में विन कराने में मदद कर पाएंगे। स्मॉल लीग में आप कैसे परफेक्ट टीम बना सकते हो, कौन सी टीम में जीत सकती है, सभी चीज़ों के ऊपर वन बाय वन बात करेंगे। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान देना है, ये जो मैं आपको वीडियो में एक टीम बना के दूंगा ये एक हमारे एनालिसिस बेस की टीम होगी। मान लो कि वीडियो की टीम में कोई प्लेयर ना खेल रहा हो, लाइनअप आने के बाद जो भी हमारी फाइनल टीम होगी वो मैं स्क्रीनशॉट के जरिए अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स में सबसे ऊपर पिन किया हुआ मिल जाएगा। इस ब्लू लिंक को आप क्लिक करके अभी कभी हमारे टेलीग्राम चैनल को आप फ्री में अभी कभी ज्वाइन हो सकते हो। तो ज्वाइन करना मत भूलना। आगे आने वाले PSL मैच होगा, वुमेन्स का वर्ल्ड कप मैच होगा, जो भी मैच मैं कवर कर रहा हूँ उसकी फाइनल टीम आपको यहीं पर मिल जाएगी। पहले से 62,000 करीब सब्सक्राइबर यानी कि लोग पहले से फ्री में ज्वाइन है, आप भी ज्वाइन हो जाना। आगे आने वाले मैचेस को मैं यहीं पर कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, देखो MBL की टीम ने इस सीजन में अपने तीन मैचेस के लिए दो मैच जीत करके रही, एक मैच अपना हार करके रही है। सेम वही आपको AMA का भी है, तीन में से दो मैच जीत करके रही, एक मैच हार करके रही, यानी कि दोनों ही टीमें एकदम बराबरी के परफॉर्मेंस पे है। लेकिन मैं आपको कहूँगा आपको प्लेयर्स को और ज़्यादा फोकस करके टीम बनाने की कोशिश करना। ये जो मैच होने वाला है ये आपको थाने के स्टेडियम के ऊपर देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर जो आखिरी के पाँच मैचेस में एवरेज स्कोर है 134 के करीब का है। यहाँ पर स्पिनर्स काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ये चीज़ को आपको फोकस करके चलना है। थोड़े से कहीं ना कहीं लो स्कोरिंग गेम हो रहा है, अगर जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है तो 140 के करीब का स्कोर बना करके देगी या फिर 140 से भी ज़्यादा, और अगर हारने वाली टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है तो 100 या फिर 110 के करीब का स्कोर बना करके दे सकती है। वहीं अगर मैं बात करूँ एक एक प्लेयर के एनालिसिस पर, तो सबसे नंबर वन चॉइस आप प्लेयर रहेगा जे बिश्ता, जो कि बल्लेबाजी में भी ऐसा ओपनर आ रहा है, एक स्पिनर बॉलर भी आपको चार ओवर बॉलिंग भी पूरा करके देगा, और जिस तरीके का परफॉर्मेंस करके आया हुआ मैं आपको ये कहूँगा कि आपके लिए कैब इसी के लिए नंबर वन चॉइस रहेगा। यहाँ पर इसने बॉलिंग से अच्छा करके दिया, बल्लेबाजी से एवरेज, यहाँ पर इसने बल्लेबाजी से काफ़ी अच्छा किया, बॉलिंग से फ्लॉप हुआ, यहाँ पर यह बल्लेबाजी से फ्लॉप हुआ, बॉलिंग से काफ़ी अच्छा करके दिया हुआ है। यानी कि प्लेयर ऐसा जो कि कभी बल्लेबाजी से तो कभी बॉलिंग से कहीं ना कहीं से आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके दे दे रहा है, ऐसा कैब इसी आपके लिए नंबर वन चॉइस रहेगा। अगर आप फैंटेसी में अपनी टीम बना रहे हो ऐसा सेफ प्लेयर आपके लिए नंबर वन प्लेयर रहने वाला है कैप के लिए। उसके बाद यहाँ से लेकर के चलूंगा, देखो पी चंदन आखिरी मैच किसी ने भी नहीं लिया था, मिनी GL तक का हमने इसके दम का विन किया हुआ था, जो कि आपको चार ओवर बॉलिंग भी पूरा करके देगा, स्पिनर से यहाँ पे काफ़ी अच्छा भी कर रहे हैं, स्पिनर बॉलर भी है, प्लस आपको बल्लेबाजी में भी 6 रनों पे आ जाएगा, प्लेयर काफ़ी शानदार है। एस श्रीवास्तव की बात करो, कई बार ये बल्लेबाजी में तीसरे पारे, कई बार फोर्थ पे आ रहे हैं, लेकिन कई बार हो क्या रहा है ना कि बल्लेबाजी से तो कोई बहुत अच्छा प्लेयर है नहीं, और बॉलिंग से जो है ना इसको कई बार ओवर ज़्यादा मिल ही नहीं रहे। यहाँ पर आप देखोगे एक ही ओवर बॉलिंग मिला, जब इसको एक विकेट भी मिल गया, यहाँ पर देखोगे तो चार ओवर बॉलिंग पूरा मिला फिर भी फ्लॉप हुआ, आखिरी मैच में भी आप देखोगे चार ओवर पूरा मिला, यानी कि ले दे करके बाद यही पहले मैच में चार ओवर मिला, दूसरे में सिर्फ एक ओवर, तीसरे में चार ओवर, तो हो सकता है कि आपके मैच से एक ही ओवर बॉलिंग मिले। यही एक रीजन है कि मैं इसको लेकर के ना चल के यहाँ से वी यहाँ से जगपले को लेकर के चलूंगा। जगदले की बात करो, बल्लेबाजी में आपको लगभग लगभग 6 रनों पे आएगा, लेकिन आपको बल्लेबाजी से आपको चार ऐसा मतलब 6 रनों पे आएगा, लेकिन बॉलिंग से आपको चार ओवर पूरा करके देने के पूरे पूरे चांसेस रहने लगे। यानी कि बल्लेबाजी और बॉलिंग दोनों चीज़ का मिला करके आपको कहीं ना कहीं से परफॉर्मेंस करके आपको जरूर दे दे रहा है, आपके लिए जरूरी प्लेयर रहेगा। उसके बाद यहाँ से रोहित मोरे को भी लेकर के चलूंगा, जो कि इस समय MBL की टीम से कप्तानी भी कर रहा है, बल्लेबाजी में ऐसा ओपनर आ रहा है, बॉलिंग इस समय नहीं कर रहा है, बॉलिंग जो है इस सीजन में कर नहीं रहा है, भले ही स्पिनर बॉलर है कभी भी बॉलिंग कर सकता है, लेकिन इस सीजन में दोनों ही मैचेस में बॉलिंग नहीं कर रहा। पहले मैच इसने थोड़ी सी बॉलिंग किया था, तीन ओवर बॉलिंग किया, फ्लॉप गया था, यानी कि ऐसा नहीं है कि बॉलिंग नहीं कर सकता, कभी भी बॉलिंग कर सकता है। बल्लेबाजी से देख सकते हो आखिरी के दोनों ही मैचेस में काफ़ी अच्छे रन्स बना करके आ रहा है, ऐसा ओपनर आ रहा है, हर बॉल पर छक्के चौके मारने को जा रहा है, और इस समय का ना MBL की टीम का सबसे मेन बल्लेबाज अपनी टीम की ओर से जब जब रन्स बना रहा है
टीम 140 प्लस का स्कोर कर रही है, जब रन्स नहीं बना पा रहे तो 120 पे भी पूरी टीम रुक सकती है। उसके अलावा यहाँ से कोई भी इतना अच्छा प्लेयर है नहीं। आप चाहो तो यहाँ से जे अंसारी कई बार बल्लेबाजी में भी फोर पे आ रहा है, बॉलिंग से भी कई बार चार ओवर पूरा कर दे रहा है, बाकी इस समय कोई अच्छा परफॉर्मेंस करके दे नहीं पा रहा है। ए शेख की बात करूँ जो कि आपको इस समय एएमए की टीम ओर से कप्तानी भी करके दिया हुआ है और आखिरी मैच इसने कई बार बॉलिंग भी करके दिया हुआ है, ये दोनों कोई इतने अच्छे प्लेयर नहीं है लेकिन कई बार मौका भी मिल जा रहा है। बाकी यहाँ से मैं आपको कहूँगा ए श्रीवास्तव, इसको आपको अपनी जीएल टीम में रोटेशन में यूज़ करके चलना है, जो कि आपको 30 से लेकर के 50 के बीच आराम से पॉइंट्स दिला करके जा सकता है। उसके अलावा पी चंदन को चाहो तो निकाल देना, इसके अलावा कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको आप निकाल पाओ। यहाँ से ओ कमत को लेकर के चलूंगा जो कि बल्लेबाजी में पांचवें नंबर पर आएगा, लेकिन 20 ओवर का मैच है, आखिरी मैच इसने चार ओवर बॉलिंग भी पूरा कर रखा है जहाँ पर इसको दो विकेट भी मिल गए। उससे पहले के बच्चे दोनों ही मैचेस में इसने एक एक ओवर भी बॉलिंग नहीं कर रखा, लेकिन उसके बावजूद भी बल्लेबाजी से थोड़े से रन्स बना करके आ रहा है, तो प्लेयर काफ़ी शानदार है बल्लेबाजी और नहीं तो बॉलिंग कहीं ना कहीं से आपको परफॉर्मेंस करके जरूर दे सकता है। उसके बाद यहाँ से देखो बल्लेबाजी ऑप्शन है, कोई भी बहुत अच्छा प्लेयर रहेगा नहीं, मैं किसको लूंगा आगे बात करेंगे। उससे पहले देखो ये एक हमारे एनालिसिस बेस की टीम है, मान लो कि वीडियो की टीम में कोई प्लेयर ना खेल रहा हो, लाइन अप आने के बाद जो भी हमारी फाइनल टीम होगी वो मैं इसी तरीके से स्क्रीन शॉट के जरिए अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में भेज दूंगा अपनी फाइनल टीम, जिस भी टीम से मैं खुद पैसा लगाऊंगा। 62,000 करीब सब्सक्राइबर यानी कि लोग पहले से फ्री में ज्वाइन है, उसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं, आप जिस भी वीडियो को देख रहे हो उसके टाइटल को आप क्लिक करोगे हमारे डिस्क्रिप्शन में पहुंचोगे, सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, आप यहां से अभी कभी फ्री में ज्वाइन हो सकते हो। ना मिले तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाना, सबसे पहला जो कमेंट पिन किया हुआ देखने को मिलेगा उसमें भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लेना। आगे आने वाले मैचेस को मैं यहीं पर कवर करने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको ये एक चीज कहूंगा कि यहाँ से देखो एस शेखर का बल्लेबाजी क्रम 7 नंबर पर है, आखिरी मैच है बल्लेबाजी में 7 नंबर पर आया हुआ है, फ्लॉप गया। उससे पहले वाले मैच बल्लेबाजी में यहाँ पे ऐसा ओपनर आया हुआ है, यहाँ पर भी फ्लॉप किया हुआ है, यानी कि कई बार बल्लेबाजी आएगी नहीं और जब बल्लेबाजी आएगी भी उतना अच्छा प्लेयर नहीं है। एस पांडे को लेकर के चलूंगा, भले ही बल्लेबाजी में काफी नीचा रहा है लेकिन आखिरी मैच इसने 3 ओवर बॉलिंग कर रखा है, नाम भले इसका विकेट कीपर हो लेकिन काम आपको बॉलर्स वाला भाई कभी भी करके दे सकता है। उससे पहले के मैचेस में भले ही बॉलिंग नहीं कर रखा है लेकिन कहीं ना कहीं से आपको पॉइंट्स दिला करके जा सकता है, इसके ऊपर मैं रिस्क लेकर के चलूंगा। एस जैन को लेकर के चलूंगा जो कि बल्लेबाजी में 4-5 नंबर पर आ रहा है, आपको 20-25 रन बना करके दे दे रहा है। उसके अलावा आपके लिए कोई भी अच्छा प्लेयर तो रहेगा नहीं, मैं यहाँ से लेकर के चलूंगा एस अथवाले को, आखिरी मैच भले ही पहली बॉल पर अपना विकेट गवा दिया हो लेकिन उससे पहले के बच्चे दोनों ही मैचेस में अच्छे खासे रन बना करके आया हुआ है, यानी कि 20 से लेकर के 40 के बीच आपको आराम से रन बना करके दे सकते हैं, जो कि बल्लेबाजी में 3rd नंबर पर आएगा। उसके बाद यहाँ से बल्लेबाजी ऑप्शन है सबसे नंबर 1 चॉइस रहेगा, जिसका नाम है यहाँ से पी यहाँ से एस गोवारी, 3 मैचेस के लिए तीनों ही मैचेस में अच्छा किया, यहाँ पे 4 ओवर बॉलिंग करके इसको 1 विकेट मिला, यहाँ पे 3 मिले हुए हैं, यहाँ पे 3 विकेट्स मिले हुए हैं, तो बॉलिंग काफ़ी अच्छी कर रहा है, 3 से 4 ओवर बॉलिंग पूरा करेगा, एएमए की टीम का सबसे मेन बॉलर में से एक लेकर के जरूर चल रहा है। उसके बाद यहाँ से पी सिंघोते को भी लेकर के चलूंगा, ये भी आपको 4 ओवर के करीब बॉलिंग पूरा करके देगा, आखिरी मैच से देखो कि इसको सिर्फ 1 ही ओवर बॉलिंग करने का मौका मिला हुआ है। अब बल्लेबाजी से देखो 25 बॉल पर 8 रन 20 ओवर के मैच है, यानी कि बल्लेबाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसका जो स्ट्राइक ना इसी से समझ में आ रहा है कि बिल्कुल भी खेल ही नहीं पाता। उससे पहले के बच्चों दोनों ही मैचेस में अच्छी बॉलिंग करके आया हुआ, 4-4 ओवर बॉलिंग पूरा किया हुआ, काफ़ी अच्छी बॉलिंग भी करके दिया हुआ है। आर विश्वकर्मा को पहले मैच 1 ओवर भी बॉलिंग करने का मौका मिला नहीं है, बिल्कुल भी आपको लेकर के नहीं चलना है। यहाँ से आपके लिए ये पांडे एक अच्छा प्लेयर है, आखिरी मैच भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग किया, उससे पहले भी 2-2 विकेट मिले हुए हैं, लेकर के मैं इसी को चलने वाला हूँ। आई शेख भी आपको 4 ओवर बॉलिंग पूरा करके दे रहा है, दोनों मैचेस में इसको 1-1 विकेट भी मिला हुआ, आप इसको लेकर के चल सकते हो, आपको 30 से लेकर के 40 के बीच आराम से पॉइंट्स दिला करके जा सकता है। उसके अलावा यहाँ से कोई भी इतना अच्छा प्लेयर है नहीं। कैब इसी में मैं आपको सबसे पहले कहूंगा कि कैब आपके लिए सीधे सीधे आपको जे विस्ता को बना करके चलना है, वीसी के ऊपर आप अपना रिस्क लेकर के चल सकते हो, मैं किसको बनाऊंगा आगे बात करेंगे। उससे पहले मैं अपने पूरे पैसे जो है ना इस मैच के अंदर 11 चैलेंजर्स स्पोतेसी और कुबेरा पे लगाने वालों, ये तीनों जो फैंटेसी ऐप है ना, मैं आखिरी के 2 सालों से अपने पूरे पैसे यही तीनों ऐप के ऊपर लगा रहा हूँ। यहाँ पर मेरे कहने बस एक बार खेल करके देखो 11 चैलेंजर्स स्पोतेसी और कुबेरा में से किसी एक ऐप के ऊपर आप महीने के हजारों लाखों रुपए तक का बचा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ खेल करके। मैं जीतने और हारने की बात नहीं कर रहा हूँ, कैसे यहाँ पर आपको फैंटेसी के जितने भी एप्लीकेशन है ना, सबसे ज़्यादा आपको लो एंट्री फीस देखने को मिलेगा, यानी कि एंट्री फीस आपको इतना कम देखने को मिलेगा ना कि बहुत सारे आपके पैसे खुद ही बचना शुरू हो जाएगा। फैंटेसी में आपका जितना भी लॉस हुआ होगा सारा का सारा कवर हो सकता है। 11 चैलेंजर्स स्पोतेसी और कुबेरा तीनों ऐप का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को मिल जाएगा, जो
लॉबी के वहाँ से डाउनलोड करके मेरे साथ खेलना शुरू कर सकते हो। वीसी मैं यहाँ से लेकर के चल रहा हूँ यहाँ से वी जगदले को। बाकी इसके अलावा आपके लिए एक और अच्छा प्लेयर रहेगा रोहित मोरे, जो कि आपको हर मैच में रन बना करके दे सकता है। ऐसा वीसी ये भी आपके लिए एक अच्छा प्लेयर रह सकता है। ये एक हमारे एनालिसिस बेस की टीम है। मान लो कि वीडियो की टीम में कोई प्लेयर ना खेल रहा हो, लाइनअप आने का जो भी हमारी फाइनल टीम होगी वो मैं स्क्रीनशॉट के जरिए यहाँ पे भेज दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन होना मत भूलना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स में सबसे ऊपर पिन किया हुआ मिल जाएगा। ना मिले तो आप सीधे सीधे कमेंट करके पूछ लेना, उसका भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। पर ज्वाइन जरूर जाना क्योंकि वहीं पर मैं अपनी फाइनल टीम भेजने वाला हूँ। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा भी यूजफुल लगा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना।